पाली जिले के रायपुर उपखंड क्षेत्र के मगरा क्षेत्र में भाजपा कार्यकर्ताओं के द्वारा भव्य तिरंगा रैली निकाली गई। मगरा क्षेत्र के कोट किराना बगड़ी कलालिया से आज़ादी के 75वें अमृत दिवस के उपलक्ष्य में भव्य तिरंगा रैली एडवोकेट घनश्याम सिंह चौहान, भाजपा जिला उपाध्यक्ष ओबीसी मोर्चा पाली एवं भाजपा बरमंडल अध्यक्ष मोहन सिंह कमांडो के सानिध्य में संपूर्ण मगरा क्षेत्र में निकाली गई, जिसमें तिरंगा रैली पर पुष्प वर्षा कर गाँव गाँव में भव्य स्वागत किया गया। तिरंगा रैली कोट किराना से शुरू होकर बगड़ी कलालिया पचानपुरा कालबकला दीपावास होते बरग्राम के मुख्य चौराहे पर पहुंची, जहां पर सम्राट पृथ्वीराज चौहान की मूर्ति पर माल्यार्पण कर राष्ट्रगान किया गया और तिरंगा रैली का समापन जाला की चौकी एवं सेंद्रा ग्राम पंचायत में भव्य रूप से किया गया। रैली का राजस्थान रावत राजपूत महासभा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष नंद किशोर सिंह चौहान, अध्यक्ष नाथू सिंह घाटा, वरिष्ठ उपाध्यक्ष गोपाल सिंह, जिला उपाध्यक्ष महेंद्र कुमावत, बगड़ी सरपंच प्रतिनिधि भगवान सिंह, कलालिया सरपंच प्रतिनिधि सुरेंद्र सिंह, पचानपुरा सरपंच केसर सिंह, सोहन सिंह पंचायत समिति सदस्य प्रतिनिधि पूरन जाटोलिया, दलपत सिंह, बाबू सिंह ने रैली का भव्य स्वागत के रूप में पुष्प वर्षा की एवं माला सापा पहनाकर ढोल नगाड़ों के साथ में रैली को रवाना किया। कालब में भगवती मिश्रा ने भी पुष्प वर्षा कर स्वागत किया। इस दौरान दिलीप बरमंडल उपाध्यक्ष, आनंद फौजी, गोपाल सिंह फौजी, पांचू सिंह पूर्व सरपंच, युवा नेता हरेंद्र सिंह कोट किराना, युवा जोश कमलेश सिंह, युवा नेता किसु बना भगवान सिंह, रंजीत सिंह चिकू बना, सोहन सिंह, सुरेश सिंह इकाई अध्यक्ष, राम सिंह मंडल उपाध्यक्ष, नरेंद्र सिंह, सुरेंद्र सिंह, मनोज सिंह, विश्वजीत सिंह, सूरी बना, किशोर सिंह, सुनील सिंह, नरेश मेवाड़ा, भरत लाल, दिनेश सिंह टोनी बना, लाल सिंह, किशोर सिंह सहित सैकड़ों देशभक्त ने इस तिरंगा रैली में भाग लिया। वहीं तिरंगा रैली का देवरी माता मंदिर पर सभी देशभक्त एवं भाजपा कार्यकर्ताओं को एडवोकेट घनश्याम सिंह, जिला उपाध्यक्ष ओबीसी मोर्चा पाली व बरमंडल अध्यक्ष मोहन सिंह कमांडो, डॉक्टर महेंद्र कुमावत, देवेंद्र सिंह ने रैली को संबोधन कर आभार व्यक्त किया।